नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक में। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा आज करंट अफेयर बेस्ड जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में इस टाइम जो करंट पैटर्न बना हुआ है उसी को यहां पर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए सबसे पहले जरा ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर लिखा हुआ है झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। झारखंड गवर्नमेंट ने 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसके लिए भारत सरकार ने, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से समझौता किया है। यहां पर अमाउंट मेंशन है 300 मिलियन। अभी देखेंगे ये सही है कि नहीं गलत, अभी ये स्टेटमेंट है। सेकंड, यहां पर कहा गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, ये भारत सरकार के द्वारा इशू किए गए, पहले लॉन्च किए गए पावर फॉर ऑल प्रोजेक्ट का पार्ट है। और ये पावर फॉर ऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 2014 में लॉन्च किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि नोरू बिकम दी 189th मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 2015। नोरू है वो वर्ल्ड बैंक का 189th मेंबर बना था 2015 में। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां पर देखना, सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहां पर जो लोन एग्रीमेंट है वो 300 मिलियन का नहीं है, वो 310 मिलियन का है। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि जो झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो 2014 में लॉन्च किए गए पावर फॉर ऑल प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट है। थर्ड, यहां पर मेंशन है कि नोरू हैड बिकम दी 189th मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 2015। ये 2015 में नहीं बना था, ये 2016 में बना था। तो हमारा स्टेटमेंट जो सी है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा ओनली स्टेटमेंट बी ट्रू रहता है, इसलिए आंसर की तरफ जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आई होप सो ये वाला आपके क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आयुष मिनिस्ट्री से रिलेटेड। आयुष मिनिस्ट्री ने क्या सेलिब्रेट किया है, अपना फर्स्ट नेचुरोपैथी डे को सेलिब्रेट किया है, और ये किया है 18 नवंबर को। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो आयुष मिनिस्ट्री है उसने अब जो अपना फर्स्ट नेचुरोपैथी डे है वो कब सेलिब्रेट किया है, 18 नवंबर को। स्टेटमेंट 1 है, अभी देखेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। आयुष मिनिस्टर की बात करें, श्रीपद येसु नायक ने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट नेचुरोपैथी डे प्रोग्राम नई दिल्ली में। और थर्ड बात करते हैं, यहां पर मेंशन है कि श्रीपद येसु नायक इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द नॉर्थ गोवा। तो यहां पर जो तीनों स्टेटमेंट मेंशन है तीनों राइट है। मतलब क्या हुआ कि जो आयुष मिनिस्ट्री है उसने जो अपना फर्स्ट नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेट किया है वो 18 नवंबर को ही किया है। श्रीपद येसु नायक की बात करें, इन्हीं ने फर्स्ट नेचुरोपैथी डे जो प्रोग्राम है वो नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया था, और नॉर्थ गोवा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहां पर सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू होते, इट मींस ऑल आर ट्रू। मतलब हम जाएंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 5 के साथ। आई होप सो दोनों ही क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे कि अभी जो करंट पैटर्न चल रहा है वो स्टेटमेंट बेस्ड ही चल रहा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर वर्ल्ड टॉयलेट डे से रिलेटेड। वर्ल्ड टॉयलेट डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट होता है 19 नवंबर को, ठीक है। यहां पर सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, यहां पर मेंशन है कि जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें गोल नंबर 7 मेंशन किया गया, कहा गया है कि इट इज अ पार्ट ऑफ दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। अभी देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है, 5 है, 6 है, 4 है, क्या है। 2018 की जो थीम रही है वो रही है व्हेन नेचर कॉल। तो इन तीनों ही स्टेटमेंट में से पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, वर्ल्ड टॉयलेट डे को 19 नवंबर को ही ऑब्जर्व किया गया है। और दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है उसका पार्ट है ये, जिसका मतलब है सैनिटेशन और वाटर। इन्होंने कहा है कि 2030 तक हमें हर जगह टॉयलेट बनवाने, भैया ये लक्ष्य रखा है यूनाइटेड नेशन ने। तो अपना जो स्टेटमेंट ट्रू है, जो बी है, वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है, यही थीम रही। तो यहां पर जाएंगे ए और सी के साथ, इट मींस ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर बनता है। आई होप सो ये सवाल भी आपके क्लियर होगा। अभी मेरे पास 2 सवाल और हैं, पहले इन दोनों को कंप्लीट करते हैं, फिर यहां पर और बातें समझेंगे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर एयर सेवा 2.0 वेब पोर्टल, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है सुरेश प्रभु, और उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं के जो साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सिविल एविएशन जयंत सिन्हा, इन दोनों ने मिलकर एयर सेवा 2.0 वेब पोर्टल और एप्लीकेशन को नई दिल्ली में लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर 1 की अगर स्टेटमेंट ए की बात करें तो ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरी बात यहां पर कही गई कि चेन्नई एयरपोर्ट है उसको अवार्ड दिया गया 100% ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए। मतलब यहां पर ये होता है कि जितनी भी प्रॉब्लम आई थी, जितनी भी समस्याएं आई थी, सभी का निवारण किया गया था इस एयरपोर्ट पे। तो चेन्नई एयरपोर्ट को इसके लिए अवार्ड दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर मेंशन है कि सुरेश प्रभु इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम दी महाराष्ट्र। सुरेश प्रभु इज नॉट अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम दी महाराष्ट्र, ही इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश। तो स्टेटमेंट ए ट्रू है, बी ट्रू है, बट सी ट्रू नहीं है। तो यहां पर हम जाएंगे ए और बी के साथ, इट मींस ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ से रिलेटेड। क्या है जरा समझिएगा ध्यान से।
मालदीव्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रीजॉइन टू रीजॉइन द कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है, जो ग्रुप है, या यूं कहें कॉमनवेल्थ के नाम से जिसे हम जानते हैं, मालदीव सरकार ने कहा है कि हम दोबारा से इसे रीजॉइन करेंगे, मतलब दोबारा से हम इसे ज्वाइन करेंगे। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की बात करें तो इस जो ग्रुप है कॉमनवेल्थ, इसमें टोटल 53 मेंबर हैं। यहां पर दूसरे स्टेटमेंट कहता है, विदाउट हैविंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक टू ब्रिटिश एम्पायर, रवांडा बिकम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ। थर्ड स्टेटमेंट कहता है, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड इज द फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा, कॉमनवेल्थ में उन कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है, बेसिकली बात करो साधारण तौर पर, अभी तक क्या था कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन वो हुआ करते थे जिन देशों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटेन का आधिपत्य रहा है, ऐसी देश जो कि कॉलोनी रहे, ऐसे देश कह सकते हैं जो कि डोमिनियन रहे ब्रिटेन के, वो पार्ट होते थे कॉमनवेल्थ के। बट अभी बात करते हैं रिसेंट में जो पहला मेंबर बना है वो इसका, जो कि कह सकते हैं कि पुर्तगीज, मतलब कि जो पुर्तगाल का डोमिनियन था, पुर्तगाल की कॉलोनी थी, वो ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं थी, वो फिर भी इसका पार्ट बना था। वो जो दो देश था उसका नाम था मोजाम्बिक। बट यहां पर मेंशन है रवांडा बिकम द फर्स्ट मेंबर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मोजाम्बिक पहला देश बना था जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं था, फिर भी बना मेंबर इसका। दूसरा जो देश बना था 2009 में, वो रवांडा बना था। तो यहां पर फर्स्ट मेंशन है, तो फर्स्ट के लिए हम जाएंगे मोजाम्बिक के साथ, तो स्टेटमेंट हमारा जो सेकंड वाला है वो फॉल्स हो जाएगा। थर्ड जो बात हो रही है यहां पर कि पैट्रिसिया स्कॉटलैंड की, ही इज अ फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ, ही इज नॉट अ, शी इज नॉट अ फिफ्थ सेक्रेटरी जनरल, शी इज अ सिक्स्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो स्टेटमेंट अपना सी भी भाई यहां पर फॉल्स होता है, तो हम सिर्फ जाएंगे ओनली ए के साथ। आई होप सो आपके क्लियर होगा कि कैसे हमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करना है। और मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करिए, और डिटेल में समझना है तो आप मॉर्निंग में हमारे साथ जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स लाइव में, जो कि मंडे टू सैटरडे होता है। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।